अभी हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो वो हम क्या पढ़ रहे थे, अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत भी हमने अपने जो एक टॉपिक हार्ट या हृदय के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अपना क्या, रक्त पे या ब्लड पे, है ना। तो रक्त में भी हम लोगों ने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था, तो वो हम लोगों ने RBC तक या अपनी रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स या लाल रक्त कणिकाओं तक क्या कर लिया था, अपना अध्ययन कर चुके थे, है ना। तो अब जो हमारा उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो वो हमें पढ़ना है आज अपना क्या, तो WBC का, है ना। क्या पढ़ना है, WBC का। इसे हम क्या कहते हैं, और तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, है ना, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, है ना। और इसका एक और नाम क्या होगा, तो इसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलेंगे, बोल सकते कि नहीं, है ना। और यदि हम WBC की बात करें, तो इसे और भी क्या बोलते हैं, तो इसे एक याद रखना है, इसे ल्यूकोसाइट, है ना। तो इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है ना। आज अपनी क्या, आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले उसकी मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, है ना। तो सभी लोग खुश होंगे, आज अपने जन्माष्टमी के त्यौहार को घर पे मनाएंगे, है ना। तो उसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अब यदि हम WBC की बात करें, तो इसके हम लोगों ने अभी क्या, अपने नाम पर चर्चा कर ली है। अब यदि हम इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल किसके, WBC के, है ना। तो जो ये WBC का जीवन काल होता है, तो आप लोग समझिए कि कितना होता है। तो आप लोगों को इसका याद रखना है कि WBC का जो जीवन काल होता है, वह केवल कितना, 4 से 5 दिन का होता है। कितना होता है, 4 से 5 दिन, है ना। और यदि इसके बाद हम इसकी संख्याओं की बात करें कि आखिर WBC की संख्या होती कितनी है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी जो संख्या होती है, तो वो आपको याद रखना है कि 5000 से 10000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, है ना। हमने आपको जब कल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि मिलीमीटर क्यूब मतलब इतने क्षेत्रफल या इतने अपना जो एरिया है, इतने एरिया में कितनी होती है संख्या। तो 5000 से 10000 WBC पाई जाती है, है ना। इसके बाद आप लोग यह बताइए कि जब हम अपना RBC का चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो अपना क्या आरबीसी होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक की चर्चा की थी, तो वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि उसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन उसके बाद भी हमने आपको मतलब कि वो बताया था कि लामा प्रजाति जो स्तनधारी होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है ना। तो इसमें जो केंद्रक होता है, तो वह क्या होता है, तो WBC में आप लोगों को याद रखना है कि जो केंद्रक होता है, तो वह होता है उपस्थित। ओके, इस क्या होता है, उपस्थित होता है, है ना। अब इसके बाद क्या है, WBC का हम लोगों ने जीवन काल देख लिया, 4 से 5 दिन, संख्या देख ली, केंद्रक हो गया, अच्छा ठीक है। अब WBC को क्या कहा जाता है, तो याद रखना कि जो WBC है, तो इसे प्रतिरक्षा, क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली का सैनिक कहा जाता है। ध्यान दे रहे हैं आपके, नहीं, ध्यान दीजिए, क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का सैनिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो याद रखना है WBC को कहा जाता है। अब यह प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है, यह अपना इम्यून सिस्टम, है ना, क्या है, इम्यून सिस्टम। ओके, अब क्यों कहा जाता है, तो आप लोगों को समझना है यह क्या है। तो आप जैसे
यह एक कोई व्यक्ति हो गया, है ना, यह एक व्यक्ति हो गया, ओके, यह एक अपना व्यक्ति हो गया। तो आप लोगों को यह याद रखना कि ये व्यक्ति का, जैसे यह क्या है, अपनी बॉडी है, है ना। और बॉडी की जो ये वाली आपको यह दिख रहा है, तो यह समझ लीजिए आपकी यह क्या है, बॉर्डर है। तो इसमें क्या है, इसमें अपनी जैसे जो ये WBC जो को कार्य हैं या कार्यरत हैं या कार्य कर रही हैं, तो इनका कार्य क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे यह कीटाणु है, कीटाणु क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, लेकिन जो हमारी WBC है यह इसको प्रवेश करने नहीं देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। तो यह क्या कहलाती है, इसलिए इसे प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है, गौर से समझना जो अब मैं बताने जा रहा हूं, इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कीटाणु है हमारी बॉडी में, करेगा क्या, प्रवेश करने की क्या कर रहा, कोशिश। उसके बाद जो ये हमारा WBC है, इसका कार्य क्या है, तो इनसे लड़ाई करेगा या लड़ेगा और इनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि इसको शरीर में आने नहीं देना है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि यदि इनकी, जब तक हमारी जो यह सेना है, यह जब तक अपना कार्य कर रही है, यदि मान के चलिए इनका संक्रमण कीटाणुओं का हावी शरीर में क्या हो गया, अधिक हो गया, तो यह क्या करने लगती है, कौन, तो ये जो अपनी WBC है, WBC है, तो यह क्या करने लगती हैं, यह अपने अंदर क्या करने लगती है, विभाजन करने लगती हैं, एक से और WBC से WBC, मतलब जितने कीटाणुओं की संख्या या संक्रमण बढ़ेगा, तो उतना ही ये अपना क्या करती हैं, विभाजन करने लगती हैं लड़ने के लिए, बार बार लड़ने के लिए विभाजन करती रहती हैं। लेकिन यदि शरीर में संक्रमण हो गया ज़्यादा, मतलब कीटाणुओं की संख्या आ रही है अधिक, और आप लोगों को एक बात याद रखना है कि फिर क्या करती हैं, जब इनका क्या होता है WBC का, तो WBC का होता है विभाजन, तो विभाजन के दौरान जब इनका संक्रमण शरीर में क्या होता है, शरीर में संक्रमण बहुत अधिक हो जाता है ना, बहुत अधिक होने लगता है, तो क्या करती है, जब इनका विभाजन बहुत तीव्र या बहुत अधिक विभाजन करने लगती हैं, तो फिर इसके बाद यह WBC अपने विभाजन को क्या नहीं कर पाती हैं, तो रोक नहीं पाती हैं, विभाजन रोक नहीं पाती हैं, है ना, याद रखना, विभाजन को बिल्कुल रोक नहीं पाती हैं। और उसके बाद क्या होगा, और अधिक विभाजन होता रहता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो याद रखना कि जब यह अपना विभाजन नहीं रोक पाती है, तो क्या होता है, WBC की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, तो ब्लड कैंसर होता है, है ना। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, है ना, या इसे क्या बोलते हैं, तो ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है, इससे क्या होता है, तो ब्लड कैंसर होता है, किससे होता है, तो ये आपको याद रखना है, WBC के अत्यधिक विभाजन के कारण ही ब्लड कैंसर होता है। तो WBC समझ में आई है, अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्या, तो इसके प्रकार की चर्चा करेंगे, है ना, कि WBC कितने प्रकार की होती है, ओके। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ओके। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, प्रकार, अब हम लोगों को प्रकार की चर्चा करना है, ठीक है। तो प्रकार में यदि हम देखें, तो WBC कुल कितने, तो पांच प्रकार में यदि हम बात करें, तो कौन कौन से, तो याद रखना कि जो सबसे पहला प्रकार होता है, तो वो होता है इओसिनोफिल, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इओसिनोफिल। दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रोफिल, सबसे पहला इओसिनोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा बेसोफिल, ओके,
चौथा हमारा जो प्रकार होगा तो वो हमें पढ़ना है मोनोसाइट, मोनोसाइट। और पांचवा हमारा क्या है, लिम्फोसाइट। ओके, क्या क्या है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओके, तो ये क्या है, हमारे प्रकार हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यह देखना है, इन सबको आपको क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। इओसिनोफिल की यदि हम बात करें तो इओसिनोफिल का कार्य क्या होता है, तो यह किससे रक्षा करती है, जो हमारी एलर्जी से संबंधित समस्याएं होती हैं। क्या होती हैं, एलर्जी से संबंधित, एलर्जी से संबंधित जो हमें मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मतलब कि कौन कार्य करता है, तो इओसिनोफिल। कैसे, जैसे आप लोग याद रखिए, जैसे जब हमारा बचपन होता है या हम छोटे होते हैं, आप लोगों को एक बात पता होगी कि जो बच्चों में एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो लगभग वो मतलब कि कब तक, 8 से 10 साल तक में क्या होता है, तो एंटीबॉडी बनती हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है कि शुरुआत में उनको क्या नहीं दिया जाता है, जैसे मतलब कि किसी भी प्रकार का, जैसे उन्हें भोज्य पदार्थ अपन लोग खिलाएं तो उन्हें उस भोज्य पदार्थ में, जैसे हम ले लें कैसे आलू, जैसे आप आलू का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यदि छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से आलू नहीं खिलाया गया तो उसके विरुद्ध क्या हुआ, बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ। ओके, क्या नहीं हुआ, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ। तो यह क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे बाद में जब उसे आलू की मतलब कि सब्जी या आलू खिलाया जाए तो उसके प्रति एंटीबॉडी तो उसके शरीर में है नहीं, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है और उसके बाद उस शरीर में जो रिएक्शन होता है या नुकसान करता है तो उसका संकेत हमें किससे पता चलता है, इओसिनोफिल से। किससे पता चलता है, तो आपको याद रखना है कि वह संकेत इओसिनोफिल से पता चल जाता है। किसी भी भोज्य पदार्थ से एलर्जी हो, उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ मतलब अपनी त्वचा में रेड रेड टाइप के जो स्पॉट आ जाते हैं या मतलब किसी भी प्रकार से, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में हमें यह प्रॉब्लम हो रही है, तो किसके, तब डॉक्टर हम लोगों से यह भी पूछता है कि आप लोगों ने खाया क्या था इसके पहले क्या, तो वो फिर बता देता है कि मतलब कि आपको यह नहीं खाना है, इससे आपको एलर्जी है। बात समझ में आई, ठीक है। न्यूट्रोफिल की यदि हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, तो कीटाणुओं से रक्षा करना। ओके, क्या काम है इसका, कीटाणुओं से रक्षा करना। बेसोफिल का क्या कार्य है, तो बेसोफिल का आपको याद रखना है एलर्जी और कीटाणुओं दोनों से। ओके, इसका कार्य जो यह दोनों करते हैं ना, तो यह बेसोफिल क्या करता है, यह दोनों का कार्य करता है, एलर्जी और कीटाणुओं से संबंधित। ओके, अब हम करें अपनी किसकी बात, मोनोसाइट की बात। तो इसको आपको याद रखना है कि यह क्या करता है, तो विशिष्ट कीटाणुओं से क्या करेगा, रक्षा करेगा। जैसे हमें कभी बुखार हो जाता है, जैसे टाइफाइड हो गया तो उसके जो मतलब के कीटाणु वगैरह होंगे तो उससे रक्षा कौन करेगा, मोनोसाइट। और जे क्या है, लिम्फोसाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होता है यह क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी शरीर को रक्षा प्रदान करने के लिए यह क्या करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यदि यह कार्य नहीं करेगा तो आपको याद रखना कि यह कोई भी कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मेन कार्य तो है एंटीबॉडी का निर्माण करना, जो क्या करता है, लिम्फोसाइट करता है। ओके, बात समझ में आई। तो अभी हमने WBC में क्या देखा, इसका हमने इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। संख्या की ओर आपको याद रखना है कि आपको और भी मतलब कि कुछ मिल सकती है, कितना, जैसे 5 से 10 हज़ार, 5,000 से 10,000, ये भी सही है। क्या है ये, संख्या किसकी, WBC की, है ना। और जो हमने जीवन काल की चर्चा की थी तो वो तो हम लोगों ने कर ली थी, कितना, 4 से 5 दिन, है ना।
तो आपको संख्या थोड़ा ये याद रख लेना है 5 से 10 हज़ार, ओके। बाकी ये अपना मैटर बिल्कुल सही है, तो इन इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। अब WBC में, हाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी WBC की यदि हम बात करें, नोट यहाँ पे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, सबसे क्या, सबसे बड़ी क्या WBC कौन होगी? तो सबसे बड़ी जो हमारी WBC है वो है यह मोनोसाइट है ना। और सबसे छोटी की यदि हम बात करें, किसकी सबसे छोटी की, यदि हम सबसे छोटी WBC की बात करें, सबसे छोटी WBC की यदि हम बात करें तो वो है हमारी क्या लिम्फोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होगी तो याद रखना लिम्फोसाइट, ओके। तो ये हमने अपना क्या पढ़ लिया है, तो WBC है अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की बात है तो वो अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स, ओके। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी संख्या थोड़ा याद रखना 5,000 से 10,000 है ना, तो इतना ये आप याद कर लेना, बाकी अपना मैटर क्लियर है, ओके। तो ये मैं रफ किए दे रहा हूँ, ओके। तो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्लेटलेट्स, या इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ये भी आपको याद रखना है, ओके। WBC को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, तो अभी हमने बताया था आपको ल्यूकोसाइट है ना, तो ये अपना प्लेटलेट्स हो गया, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यदि इसकी हम किसकी, प्लेटलेट्स की यदि हम संख्या की बात करें तो यह कितनी होती है, तो आपको याद रखना है इसकी जो संख्या होती है तो वो होती है लगभग कितनी, 300,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, ओके। दूसरा इसकी यदि हम बात करें क्या, जीवन काल की, जीवन काल इसका कितना होता है, आप लोगों को याद रखना है 1 से 2 सप्ताह या 1-2 वीक, ओके। इसके बाद यदि हम प्लेटलेट्स के कार्य की बात करें, क्या कार्य या केंद्रक की पहले चर्चा कर लें, क्या इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो आपको याद रखना है RBC में हमने क्या पढ़ा था, RBC में हमने पढ़ा था कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन एक या मतलब यह भी हमने बताया था कि जो अपने मनुष्य होते हैं या जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं तो उनकी RBC में क्या नहीं पाया जाता है, तो उनकी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, RBC में क्या नहीं होता है, केंद्रक कैसा होता है, तो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था अपवाद के रूप में, क्या जो लामा ऊंट की प्रजाति होती है जो कहाँ, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उसकी RBC में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है, यह एक अपवाद था, ठीक है। तो इसकी यदि हम केंद्रक की बात करें तो प्लेटलेट्स में भी केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक होता है अनुपस्थित, ओके। और एक चीज और आपको याद रखना, अभी जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किया है कौन सा, WBC, तो इसमें केंद्रक की यदि हम बात करें, केंद्रक तो इतना याद रखना कि इसमें केंद्रक क्या होता है, तो उपस्थित होता है ना, क्या होता है, उपस्थित होता है ना। ये थोड़ा पॉइंट वहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब यदि हम इसके कार्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो इसका कार्य होता है तो वो क्या होता है, तो याद रखना आपको रक्त का थक्का बनाने में सहायक। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा होगा और आना चाहिए,
कि यह तो कार्य है अपना किसका, विटामिन के का, है ना। ये बात आपको याद आ रही होगी कि यह तो विटामिन के की वजह से मतलब थक्का जमता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका भी कार्य रक्त का थक्का बनाने में क्या है, सहायक है। क्यों? क्योंकि कि रक्त का जो थक्का बनता है वह एक से नहीं होता है ना, मतलब कि एक केवल विटामिन से नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें मतलब सहायक होती हैं। तो आपको प्लेटलेट्स में भी याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ओके, तो प्लेटलेट्स में आपको इतना पढ़ना है ना। अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो किसकी, अब इसके बाद हम लोग करेंगे रक्त के कारक की बात। ओके, तो रक्त के हम लोग कारक और देख लें, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमें यह पढ़ना है कि जो यह रक्त का थक्का बनने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं, क्या रक्त का थक्का बनना यह कैसे बनता है ना। तो रक्त का जो थक्का बनता है इसके लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं, कौन कौन से। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला कारक है तो वह है रक्त स्कंदन के कारक। रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। और दूसरा है रक्त स्कंदन के प्रतिकारक। अब आप लोग एक बात को याद रखना है, सुनिए। जैसे क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को चोट आ गई है ना, या हम लोग गिर पड़ते हैं तो चोट लग जाती है, तो चोट के कारण क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत लगा तो 3 से 5 मिनट या 4 मिनट के अंतर्गत क्या होता है, अपना ब्लड का थक्का बन जाता है, यह आपको सब पता होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो ब्लड का थक्का बनता है यदि वह बहुत जगह गाढ़ा हो जाए तब भी समस्या जाएगी। तो इसके प्रति दो कारक उत्तरदायी हैं, एक तो मतलब कि अपने जो कारक हैं जो क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन दूसरा कारक भी एक होता है तो वह क्या करता है, रक्त को पतला करने का कार्य करता है। अब कैसे, तो एक बात याद रखिए, जैसे यदि मान के चलिए कि रक्त स्कंदन मतलब जो यह कारक कहलाता है वह कहलाता है हेपेरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हेपेरिन प्रोटीन। ओके, तो यह क्या करता है, मतलब कि रक्त को पतला करने का कार्य करता है। अभी मैं बता रहा हूं कि इसका यूज क्या है। अब जैसे रक्त स्कंदन के कारक की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कैल्शियम है ना। कैल्शियम के बाद क्या होगा, अपना एक पहला हो गया अपना कैल्शियम, और दूसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या, प्लेटलेट्स है ना। फिर अपना फाइब्रिन प्रोटीन है ना, और थ्रोम्बिन और क्या, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखना ये अपने एंजाइम है। ओके, क्या है, यह एंजाइम है। तो जो यह कारक होते हैं कैल्शियम, अच्छा, और विटामिन कौन सा, तो याद रखना विटामिन के। तो ये क्या करते हैं, तो यह रक्त स्कंदन मतलब रक्त को गाढ़ा करने में सहायक होते हैं, और यह हेपेरिन प्रोटीन क्या है, रक्त को पतला करने का कार्य करते हैं। अब इसका कार्य क्या है तो समझिए, जैसे मान के चलिए अगर हेपेरिन प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लड पतला नहीं हो पाएगा। ब्लड यदि पतला नहीं होगा तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं अपनी, जैसे धमनी और सिरा, तो इनमें क्या होगा कि रक्त स्कंदन यदि इनके कारण क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण क्या होगा, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं तो उसमें क्या होगा, ब्लड या ब्लड का जो फ्लो होगा वह अवरुद्ध होने लगेगा या रुकने लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु होने लगेगी, ठीक है। यह बात आपको समझ में आई, यदि अपने रक्त स्कंदन के कारक यदि मतलब कि इनमें कोई प्रॉब्लम है केवल यह है तो क्या होगा, तो अधिकांश रूप में
अधिकांश रूप में अपने शरीर के अंदर का जो बॉडी का ब्लड है वह क्या होगा, पतला होगा। पतला होगा तो क्या होगा, तो वो अंदरूनी या अंदर से कहीं ना कहीं लीकेज कर जाएगा, तब भी व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु होगी, है ना। तो रक्त का थक्का बनने के लिए यह दो कारण उत्तरदायी है, कौन कौन से, रक्त स्कंदन के कारक, यह भी इंपॉर्टेंट है ना, और दूसरा क्या है, रक्त स्कंदन के प्रतिकारक, मतलब यह जो ये कारक हैं अपने, तो ये क्या करते हैं, ब्लड को जमने में सहायक या रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं, और यह रक्त का थक्का नहीं बनने देता, मतलब रक्त को क्या करता है, पतला करता है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज की चर्चा कर ली है। ओके, अब जो हमारे इसके बाद की चर्चा है तो वो हम करेंगे अपने कल के टॉपिक में। आज के लिए आप लोगों को इतना याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।